जनपद संभल के चंदोसी में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सरदार भगत सिंह जी की प्रतिमा स्थल पर वरिष्ठ नेता सतीश प्रेमी के नेतृत्व में किसान आंदोलन में अपनी अहम भूमिका निभाकर देश के किसानों के हित में अपनी शहादत देने वाले बाबा राम सिंह जी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर तथा कैंडल जलाकर श्रद्धांजलि दी गई। उपस्थित पार्टी कार्यकर्ता तथा किसानों ने उन्हें देश के किसानों के हित में अपना बलिदान देने वाला महान क्रांतिकारी बताते हुए बाबा आपका यह बलिदान याद करेगा हिंदुस्तान, बाबा राम सिंह अमर रहें के नारों के साथ श्रद्धांजलि दी गई। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता सतीश प्रेमी ने कहा कि बाबा राम सिंह जी ने आध्यात्मिक गुरु होने के साथ साथ देश के 80% किसानों के हित में तथा तीनों कृषि संबंधित काले कानूनों के खिलाफ अपनी शहादत देकर देश के किसानों पर बहुत बड़ा उपकार किया है। देश का किसान इस बलिदान को सदैव याद रखेगा। आज उनके शहादत दिवस पर हम सबको यह संकल्प लेना है कि सत्ता के मदहोश में जिन मठाधीशों ने बाबा राम सिंह जी सहित 700 किसानों की जान ली है, उनका यह बलिदान व्यर्थ नहीं जाने दिया जाएगा। देश का किसान इन फासिस्टवादी और सांप्रदायिक ताकतों को उखाड़ फेंकने का काम करेगा। श्री प्रेमी ने कहा कि प्रदेश में अखिलेश यादव के नेतृत्व में सपा की सरकार आने पर किसान आंदोलन के शहीदों के परिवारों को 25 लाख रूपए सम्मान राशि दी जाएगी। आज आपने कैंडल मार्च निकाल के श्रद्धांजलि दी, क्या कहेंगे इसमें? आज किसान आंदोलन के जनक, किसान आंदोलन में बहुत बड़ी अहम भूमिका निभाने वाले, अपनी शहादत देने वाले बाबा राम सिंह जी की शहादत दिवस है। आज के ही दिन उन्होंने दिल्ली बॉर्डर पर किसानों के जो बिल लाया गया था सरकार के द्वारा, काले कानून थे, उनको वापस लेने की मांग को लेकर के देश के किसानों के हित में, देश की खेती बाड़ी को बचाने के लिए बाबा राम सिंह जी जो बहुत बड़े आध्यात्मिक गुरु भी थे, उन्होंने अपनी शहादत दे दी थी। आज का दिन हम इतिहास में अमर रहेगा और ख़ास करके देश के किसानों के लिए बहुत बड़ा एक दिन है कि जिन्होंने अपने प्राण न्यौछावर करके, अपने आप को ख़त्म करके जिन्होंने किसान आंदोलन को गति दी, किसानों के हितों की रक्षा की, उन बाबा राम सिंह जी को आज हमने कैंडल जला करके उनके चित्र पर माल्यार्पण करके उनको पुष्पांजलि दी है और ये संकल्प भी लिया है कि बाबा आपका ये बलिदान व्यर्थ नहीं जाने देंगे। देश के किसान इस सांप्रदायिक और फासिस्टवादी ताकतों को जो सरकारों में आ गए हैं, उनको खाट फेंकने काम करेंगे। देश के किसान आपका ये बलिदान कभी नहीं भूल पाएंगे कि अपने आप को ख़त्म करके आपने इस किसान आंदोलन को जिंदा रखा, ताकत दी और सरकार मजबूर हुई। आपका बलिदान इतना महान बलिदान था कि सरकार को मजबूर होना पड़ा और तीनों काले कानून वापस लेने पड़े। हम संकल्प लेते हैं समाजवादी पार्टी के तमाम लोग कि अपने नेता अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में इस सांप्रदायिक ताकतों को खाट फेंकने काम करेंगे और किसानों की रक्षा करेंगे, चाहे हमको प्राणों की आहुति क्यों न देनी पड़े। ये संकल्प भी हमने आज दिया है।